आज गल करन जा रहे हैं एक भूत की। जी हाँ, एक भूत की, और इनू फड़ना किस तरह है। सो सत श्री अकाल दोस्तों, सुखमनी इमीग्रेशन सर्विसिज ब्रैम्पटन कैनेडा तो मैं सतविंदर पाटिया थोड़ा इस वीडियो स्वागत करना। मैं रेगुलेटेड एंड लाइसेंसड कनेडियन इमीग्रेशन कंसल्टेंट हाँ। सो अज का वीडियो बहुत ही स्पैशल है, क्योंकि अज एक ऐसी चीज़ के बारे गल करन जा रहे हैं जिहड़ी हर बंदे नूं अफेक्ट करती है, किधरे ना किधरे हर बंदे नूं अफेक्ट करती है। सो की है वो, उस तो पहला तुहाडे अगे रिक्वेस्ट है, जे तुसीं चैनल हुण तक सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल जरूर सबसक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पर असीं बहुत सारिया कनेडियन इमीग्रेशन दीआं न्यूज़, अपडेट, टिप्स, ट्रिक्स तुहाडे नाल शेयर करने हैं। जे वीडियो पसंद आए लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ ना, उन्हों का भी बेनीफिट हो सके। सो अज के वीडियो के बारे की वीडियो है, की डिटेल्स ने, शुरू करने हैं। सो अज का वीडियो हैगा आइल्स का भूत। जी हाँ, आइल्स का भूत, और ये भूत जिहड़ा हैगा बच्चा, बुढ़ा और जवान सब ने आइल्स के भूत तो परेशान। जी हाँ, सारे ही आइल्स के भूत तो परेशान ने। ये भूत की है आइल्स का, सारी एक एक चीज़ डिटेल से तुहाडे नाल गल करांगे। सो प्लीज़ वीडियो एंड तक जरूर देखो, क्योंकि बहुत सारिया इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर मैं लास्ट जरूर देंगा। सो शुरू करने हैं जी। सब तो पहला मैं तुहानू एक चीज़ दसना चाहना हाँ, और मैं यकीन है कि तुहानू कुछ नू पता भी होएगा। पंजाबी हैगी है घट तो घट 35 अक्षर की, ठीक है। पंजाबी 35 अक्षर की है घट तो घट, हिंदी घट तो घट 45 अक्षर की है, उर्दू घट तो घट 36 अक्षर की है 36, ते ओ असी बहुत अच्छी तरह सीख लैंदे आ, सारा कुछ सीख लैंदे आ, बहुत वधिया। जिस तरह इंग्लिश की गल आती है जिदे विच सिर्फ और सिर्फ 26 लैटर्स ने, उत्थे आके पता नहीं की हो जाता, चंगे चंगियां नूं पसीना आ जाता, क्यों आ जाता मैनूं नहीं समझ आती। और कई बार लोग यह कहिंदे ने तुहानूं की पता आइल्स कितनी मुश्किल हैगी है, नहीं मैनूं भी पता है, क्योंकि मैं जिहड़ा लैंग्वेज टैसट है एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार खुद दिता होया। सो मैनू भी पता है कि लैंगुएज टैसट किवें और किन्ना कु मुश्किल है, और उहदे बिना सर नहीं सकता। सो मैं जो खुद दिता एक बार टॉफिल दिता होया, दो बार आइल्स दिता होया, एक बार आइल्स दिता सी उस जमाने दे विच इस तरह का एक्सप्रेस एंट्री का सिस्टम नहीं हुंदा सी, एक्सपायर हो गया दोबारा तो देना पिया सी, ते लास्ट कैल देना पिया सी, जिहड़ा उह भी एक लैंगुएज टैसट है। सो इमीग्रेशन कंसल्टेंट्स के वास्ते रिक्वायरमेंट होंगी है कि उन्होंने एक लैंगुएज टैसट देना पैंता है, जो कि क्या है वो भी दिता हुआ। सो चार चार बारी मैं भी लैंगुएज टैसट दिता हुआ है, सो मैनू खुद को भी बहुत चंगी तरह पता है कि लैंगुएज टैसट कितना को मुश्किल है और उन्होंने क्रैक किस तरह करना है। सो प्लीज़ सब तो इंपॉर्टेंट वीडियो के सब तो पहली चीज़ मैं तुम्हें जरूर यह कहना चाहना कि डरना छड्ड दिओ। जिथे तुसीं डर छड्ड दित्ता ना तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मेन प्रॉब्लम हैगी है कि अपन डर जाने वो मतलब कि किन्ना वड्डा परेशानी है, किन्नी वड्डी मुश्किल है, पहाड़ वर्गी मुश्किल है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जिस तरह साड़ी हिंदी है, जिस तरह साड़ी पंजाबी है, जिस तरह उर्दू है, उस तरह इंग्लिश है। पता नहीं सानू क्यों उस तो डर लगता है और असी भूत की तरह वो सानू चिमड़ जाती है। सो पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक एक करके इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करांगे। सो सब तो पहला मैनू एक कॉमन क्वेश्चन ने, मैनू रोज़ाना कोई ना कोई बंदा जरूर पूछ रहा है। सो मैं क्वेश्चन थोड़े नाल शेयर कर रहा, आंसर्स मैं सारे जरूर देंगा लास्ट। सो क्वेश्चन की ने जी, सब तो पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस एंट्री जी है ना उसके वास्ते आइल्स चाहिए है? तां तक तुसी सोचो, मैं आंसर तुम्हें सारे देंगा, राइट। तो बिना आइल्स के इमीग्रेट हो सकते हैं? आइल्स चाहिए वर्क परमिट वास्ते? सो यह स्टडी वीज़ा लग सकता है बिना आइल्स के? तो कोई आइल्स के अलावा कोई होर ऑप्शन नहीं हैगी? सो एक क्वेश्चंस डेली, यकीन मानो डेली असी अपनी प्रैक्टिस चेक क्वेश्चन सेम क्वेश्चंस फेस करने हैं, कोई ना कोई कितना ना कितों जरूर पूछता है क्वेश्चंस। सो इस सारे क्वेश्चंस से मैं तुम्हें आंसर दियांगा। सो उस तो पहला
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों लेंदे ने कैनेडा वाले टेस्ट, बिना टेस्ट के काम नहीं चलता इन्हां दा। सो पहले ये समझना जरूरी है कि ये टेस्ट क्यों लेंदे ने। सो कैनेडा दियां दो ऑफिशियल लैंग्वेज ने, एक हैगी इंग्लिश ते दूजी हैगी फ्रेंच। सो तुहानू दोनों दे विचों एटलीस्ट एक लैंग्वेज दे विच तुहाडी चंगी पकड़ होनी चाहिए। सो उहदे वास्ते जे तुसी इमीग्रेशन वास्ते तुसी आंदे हो ते तुहानू टैस्ट देने ने, ते जे टैस्ट देने ने इमीग्रेशन वास्ते ते जिस तरह कि मैं तुहानू दस्सिया कैनेडा दीआं दो लैंग्वेज ने इंग्लिश और फ्रेंच, ते जे इंग्लिश तुसी सोचदे हो कि तुसी इंग्लिश च अच्छे हो ते तुसी इंग्लिश दा टैस्ट दे दिओ। सो इंग्लिश दा टैस्ट तुसी कीड़ा कीड़ा दे सकदे हो उह देखने आ, ते जे तुसी तुहानू लगदा कि तुसी फ्रेंच च अच्छे हो तुसी फ्रेंच दा दे दिओ। और तुसी दोनों भी दे सकदे हो, तुहानू दोनों दे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलदे ने, राइट। सो ये नहीं है कि तुहानू जे इंग्लिश भी आती है तो फ्रेंच भी आती है तो मैं सिर्फ इंग्लिश देंगा, नहीं, जो तुहानू आती है तो तुसी फ्रेंच भी दिओ। डेफिनेटली मैं खुद भी दिता है बाय द वे फ्रेंच का टेस्ट, राइट। सो अगे गल करने हैं इंग्लिश के बारे जो गल करिए, तो इंग्लिश के दो टेस्ट जिहड़े अपरूवड ने गवर्नमेंट तो, सिर्फ दो ही टेस्ट इमीग्रेशन वास्ते अपरूवड ने। कि दो टेस्ट अपरूवड ने इमीग्रेशन वास्ते, राइट। इमीग्रेशन वास्ते दो टेस्ट अपरूवड ने, एक हैगा जी सेलपिप ते दूजा हैगा आइल्स। तो फ्रेंच वास्ते जिहड़ा हैगा दो टेस्ट अपरूव ने, TCF और TEF। ये दो टेस्ट फ्रेंच वास्ते अपरूव ने और दो टेस्ट आइल्स इंग्लिश वास्ते अपरूव ने। तो इन दे विचों जिहड़ा आइल्स है ना वो बहुत ही पॉपुलर है, क्योंकि सेलपिप हर जगह पर हुंदा नहीं, तो इस करके आइल्स क्योंकि पॉपुलर भी है और अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, इस करके आइल्स जिहड़ा हैगा काइंड ऑफ सिनोनिम बन गया। जिस तरह से कहने ना ECA कराना तो लोग कहते हैं वैस करा लो, वैस नहीं होर भी ऑप्शनस ने, लेकिन क्योंकि वैस इन्ना पॉपुलर है इस करके वो ECA की जगह ले लैंदा है। इस तरह ही इंग्लिश का टैसट करना है तो आइल्स कर लो, आइल्स एक टैसट है, एक होर ऑप्शन है सेलपिप। सो ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का कि कोई होर ऑप्शन है। जी हाँ, आइल्स का दूजा ऑप्शन है कि तुम सेलपिप दे सकते हो। सो मोस्ट पॉपुलर जिहड़ा टेस्ट है वो आइल्स है, इस करके आइल्स। हुण ये आइल्स है की, राइट। सो बेसिकली आइल्स देखा जाए तो एक एक्रोनिम है, एक्रोनिम होंदा पहला अक्षर हरेक का लिता जाता है, तो एक्रोनिम है। सो मोस्ट पॉपुलर है, मैं तुहानू ऑलरेडी कह चुका वहाँ। तो आइल्स जिहड़ा दो फॉरमैट्स के विच लिता जाता है। सो जिहड़ा एक अकैडमिक है तो दूजा है जनरल। अकैडमिक जिहड़ा है कॉलेज या यूनिवर्सिटी की एडमिशन लैन वास्ते हुंदा है, तो जनरल जिहड़ा है वो इमीग्रेशन परपसिज वास्ते है, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट है समझना, जे तुसी पढ़न वास्ते आ रहे हो अकैडमिक ते हो, जे तुसी इमीग्रेशन के परपसिज वास्ते आ रहे हो तो तुसी जिहड़ा है जनरल देना है, राइट। कुछ होर चीज़ें मैं तुहानू अगे भी जाके दसनी है इहदे बारे, सो आई विल शेयर विद यू। सो मैं जिस तरह की दसिया एक्रोनिम है, सो एक्रोनिम का मतलब है कि पहला पहला अक्षर जिहड़ा है उस पूरे लैटर का लिता होया। तो पूरे लैटर की ने, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टैसटिंग सिस्टम। सो जिहड़ा है कि तुहानू पढ़न वास्ते, वर्क करन वास्ते या इमीग्रेट करन वास्ते थोड़ी हैल्प करता है उन्होंने कंट्रीज के जिथे इंग्लिश जी मेन लैंग्वेज है, जिमें कि कैनेडा, जिमें कि ऑस्ट्रेलिया, जिमें कि होर कई सारिया कंट्रीज ने, US, UK, राइट, न्यूजीलैंड। सो ये उन्होंने कंट्रीज के वास्ते डिजाइनड है, और ये जॉइंटली तीन लोग, तीन कंपनियां ओन कर दिया ने। एक है जी IDP, आइल्स ऑस्ट्रेलिया, कैम्ब्रिज इंग्लिश और ब्रिटिश काउंसिल। ये तीन जड़िया ने कंपनियां ऑर्गनाइजेशन इनू ओन कर दिया ने। सो आइल्स के टैसट के चाहे तुम अकैडमिक दो तो चाहे तुम जनरल दो, हों चार चीज़ा थोड़िया टैसट होंदिया ने, लिसनिंग कैप थोड़ी एबिलिटी, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, ये चार कैटेगरी थोड़ा टैसट लिता जाता है। सो ये चार चीज़ा हो गई, ये हो गया जी आइल्स। हूँ एक आइल्स, जो आइल्स आता है ना तो हर कोई कहता बैंड, तो बैंड कि बैंड है कि ए वाला बैंड है जोड़ा विवाह तो बजता है, नहीं तो फिर के ए वाला बैंड है जोड़ा सिर पर लाया जाता है, वाला चलाया जाता है, या फिर ए वाला रबड़ बैंड टाइप है, या अगेन हेयर बैंडस है, कि बैंड है। सो बैंड जो आइल्स के बैंड की गल हों, तो आइल्स न ग्रेड किया जाता है 0 to 9 तक। 0 वो जिन्हें टैसट अटैम्प्ट ही नहीं किया, गया उ टैसट देखा इन्ना घबरा गया कि टैसट छड़ के वापस आ गया, 0।
जीरो तो लैके नाइन तक यदा आइल्स दे ग्रेडिंग होंगी है। वो जो ग्रेड आते हैं उन्होंने बैंड कहने असी, वो ग्रेड्स जोड़े ने उन्होंने बैंड कहने हैं। उत्ते जो बैंड देख रहे हो ये बैंड नहीं है आइल्स के परपज वास्ते, राइट। सो अगे चलने अगे है जी गल सी एल बी। हूँ बैंड के नाल नाल एक सी एल बी होर चक्कर है। पहले मसा मार के तो आइल्स की गल समझ आती हैगी है, फिर असी आइल्स की गल करने तो फिर कहते यार इफ सी एल बी की पसूड़ी हो गई। सो सी एल बी, हूँ सी एल बी की जो गल करिए तो सी एल बी बेसिकली कैनेडियन लैंगुएज बेंचमार्क है। सो कैनेडियन लैंगुएज बेंचमार्क है, उन्होंने गवर्नमेंट ने अपना एक बेंचमार्क एक स्टैंडर्ड रखे हुआ है। यह स्टैंडर्ड है, सो वो आइडेंटिफाई करते हैं कि उस बेसिस के उत्ते थोड़ी मास्टरी किन्नी हुई इंग्लिश लैंगुएज की। तो जिस तरह की सी एल बी है ऐसे तरह ही एन सी एल सी ए जिहड़ा कि फ्रेंच वास्ते है। सो सी एल बी जिहड़ा इंग्लिश वास्ते है, एन सी एल सी जिहड़ा हैगा वो फ्रेंच वास्ते है। हुण तुसीं कहोगे अच्छा बैंड भी समझ आ गया, आइल्स भी समझ आ गया, सी एल बी कुछ कुछ समझ आया, लेकिन सी एल बी और आइल्स आपस च इन्हां दा मैच किस तरह होएगा, सो वो देखने हैं। सो मैच किस तरह होएगा कि सी एल बी और आइल्स, राइट। सी एल बी जिहड़ा हैगा वो आइल्स मैं तुहानूं दस्सिया कि जीरो टू नाइन तक हुंदा हैगा, और सी एल बी जिहड़ा हैगा एक तो लैके बारह तक है। हुण सो इहदा एक प्रॉपर चार्ट है, उहनूं चार्ट नूं देखने हैं। सो ये तुसीं चार्ट तुहाडे सामने हैगा। सो जे आइल्स की रीडिंग राइटिंग लिसनिंग और स्पीकिंग ये तुसीं देखो मैं एक पर्टिकुलर जगह पर सी एल बी लैवल नाइन, सी एल बी लैवल नाइन पर मैं लाइट येलो कलर नाल शेड किया हुआ है, और सी एल बी लैवल टेन पर मैं डार्क गोल्डन येलो दे विच शेड किया हुआ है। क्यों किया है वह मैं तुहानूं दसदा, राइट। सो सी एल बी और आइल्स की यह मैपिंग है। जे आइल्स के डिफरेंट कैटेगरीज तुसीं इन्ने मार्क्स लैंदे हो तो वह सी एल बी ए आता है। फॉर एग्जाम्पल जे तुसीं रीडिंग छे लेंदे हो तो सी एल बी लैवल सत्त है, जे आइल्स के छे बैंड आता है रीडिंग छे बैंड आता है, लिसनिंग छे बैंड आता है, थोड़ा राइटिंग छे बैंड आता है, स्पीकिंग तो आइल्स का लैवल जिहड़ा हैगा वह सारे छे छे ने, लेकिन सी एल बी जिहड़ा हैगा वह सत्त हो गया। सो उहदे सामने तुसीं देखोगे मैपिंग हैगी है सी एल बी सैवन की, जे आइल्स के सारे सिक्स लेंदे हो। सो यह मैपिंग है, और यह मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो मैं येलो और डार्क शेड किए हुए ने वो कोई रीज़न है, वो की रीज़न है वो मैं थोड़े शेयर करना। सो इत्थे जी हुण मैजिक की गल है, मैजिक मैजिक किदा मैजिक हैगा जी 8777 का। मैनू पक्का पता है कि तुसीं जरूर सुनिया होएगा 8777, चाहे मतलब पता होवे या ना पता होवे, लेकिन सुनिया जरूर सबने होएगा 8777 की मतलब है इहदा, इहनूं समझो और इहदे पिछे दा जिहड़ी कहानी है उहनूं भी समझो, तां ही तुसीं इह आइल्स दे भूत नूं फड़ सकोगे। सो की है 8777 दा मतलब? 8777 दा मतलब है जी लिसनिंग दे विच तुहाडे 8 होने चाहिए ने, स्पीकिंग च 7, रीडिंग च 7 और राइटिंग च 7। जे तुसीं इह सारे स्कोर ले लैंदे हो, लिसनिंग च 8, स्पीकिंग च 7, बाकी सब च 7, रीडिंग च 7, राइटिंग च 7, जे तुसीं इह ले लैंदे हो तो तुहानूं सी एल बी 9 मिलता है। हुण सी एल बी 9 दा की मैजिक हुंदा है वो इंपॉर्टेंट है समझना। 8777 तो बड़िया ने सुनिया होएगा, मैनूं कई जगह के बोर्ड बूड भी लगे हुंदे ने ते एडवरटाइजमेंट भी आंदियां ने, लेकिन मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मतलब है जी क्योंकि असी एक्सप्रेस एंट्री दे विच दो जगह पर दो बारी आइल्स काउंट हुंदा है। किस तरह? पहली बारी तुहाडा दो सिलेक्शन फैक्टर्स ने, एक हैगा जी 6 जिहड़ा फैक्टर सिलेक्शन हैगी है, और दूजा CRS स्कोर दे विच दो बारी काउंट हुंदा है। सो आपां देखने आ जी क्यों है इंपॉर्टेंट है, राइट, की मैजिक हुंदा है, वो मैजिक की गल करने आ। सो 8777 दा जिहड़ा 6 सिलेक्शन फैक्टर्स ने उहदे विच की रोल है? सो एक क्वालीफाइंग है, जे तुसी एक जिहड़े पॉइंट्स ने 67, जे तुसी इह नहीं कर पाते 6 सिलेक्शन फैक्टर्स, सोचो 67 पॉइंट्स जे तुहाडे नहीं आते तो तुसी क्वालीफाई ही नहीं कर सकते, प्रोफाइल ही नहीं बना सकते एक्सप्रेस एंट्री दे विच। सो कई लोगों नू
एज का इशू आ जाता है, एज ज़्यादा होंगी है या कई पढ़ाई थोड़ी घट हैगी है, कोई भी रीज़न है तो बाकी सब कुछ ठीक है। जे तुसी आइल्स ते नंबर खिंच लेंदे हो CLB 9 ते तुहानू मैक्सिमम पॉइंट्स लैंग्वेज की कैटेगरी मिल जाते हैं। 6 फैक्टर्स ने, उन्हां विचों एक फैक्टर लैंगुएज, एक एज है, एक वर्क एक्सपीरियंस है, राइट। सो होर भी फैक्टर्स ने, लेकिन मैं जिहड़ा इस वक्त अपना फोकस रखिया वो इस गल ते रखिया कि लैंगुएज दे विच तुहानू पॉइंट्स मैक्सिमम मिल जाते हैं CLB 9 लैण नाल। सो किस तरह वो देख लैने आ, सो 67 पॉइंट्स चाहिए ने एक्सप्रेस एंट्री दे विच मिनिमम, और CLB 7 जिहड़ा मैं तुहानू ऑलरेडी दस्सिया कि वो मिनिमम चाहिए, यानी कि हर जगह 6 6 6 6 आइल्स के 6 बैंड चाहिए ने, आइल्स जनरल दे, आइल्स जनरल दे 6 6 6 6 बैंड चाहिए ने, ताही वो CLB 7 बनेगा। सो लैंग्वेज दे विच तुहानू मैक्सिमम 28 पॉइंट मिलते हैं, 28 जिन्हां चो 24 हैगे ने प्राइमरी लैंग्वेज दे और 4 हैगे ने सैकेंडरी लैंग्वेज दे। सो 24 पॉइंट्स तुहानू सिर्फ प्राइमरी लैंग्वेज, मान लो मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों की प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश होंगी है, सो प्राइमरी लैंग्वेज के 24 पॉइंट्स ने, सैकेंडरी के 4 पॉइंट ने, 24 और 4 28, राइट। सो प्राइमरी लैंग्वेज 24, सैकेंडरी लैंग्वेज 4। अगर CLB 9 लेंदे हो तो तुहानू 6 हर कैटेगरी के 6 6 पॉइंट ने, 6 4 24, 6 4 24, सो 24 मैक्सिमम जिहड़े तुसी लैंग्वेज पॉइंट दे 24 दे 24 चक सकते हो जे तुसी CLB 9 लैंदे हो ते। सो जे तुहाडे एज च पॉइंट घट बंदे ने, वर्क एक्सपीरियंस या पढ़ाई च घट बंदे ने, ते CLB 9 लैण दे नाल तुसी 24 ते 24 पॉइंट्स लै सकते हो। सो ए मैजिक हैगा आइल्स दा 8777 दा। सो 8777 अगर तुहाडा आंदा आइल्स दा बैंड ते CLB 9 होंदा, CLB 9 होने का मतलब है 24 चो 24 पॉइंट्स तुहानू मिल जाते हैं, एंड वो तुहानू क्वालीफाई करन दे विच बहुत हैल्प करता है। सो दैट इज़ वाई दिस मैजिक इज़ देयर, राइट। अगे गल करने हैं, हुण मैं तुहानू दस्सिया कि दोनों जगह पर काम आती है, पहला ए 6 सिलेक्शन फैक्टर, राइट, और दूजा CRS स्कोर। हुण CRS स्कोर की गल कर लेने हैं। सो CRS स्कोर जिहड़ा हैगा है उहदे विच एक ह्यूमन फैक्टर्स हैगे ने और एक होर फैक्टर है स्किल ट्रांसफरेबिलिटी। जे ह्यूमन फैक्टर दे विच लैंग्वेज एक फैक्टर है, लैंग्वेज की जे गल करिए ते CRS स्कोर किस तरह काउंट हुंदा है वो मैं तुहाडे सामने शेयर करना। सो अगर तुसी CLB लैवल 7 लेंदे हो ते तुहानू हर कैटेगरी च 16 मिलते हैं। सो 16 टाइम्स 4, 4 कैटेगरियां ने, 16 टाइम्स 4 इज 64, यानी कि तुहानू 64 पॉइंट मिले। अगर CLB 8 लैंदे हो, CLB 8 लैंदे हो तां वक्री सिचुएशन है, CLB 9 लैंदे हां जो कि मैं तुहानू बार बार CLB 9 दी स्ट्रेस गल कर रहा। सो CLB 9 अगर असीं लैंदे हां ते 29 पॉइंट्स एक कैटेगरी च मिलते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4, 116 पॉइंट्स तुहानू मिल जाते हैं, 116 पॉइंट्स तुहानू मिलते हैं जो CLB 9 लेंदे हो। और जे वाकई तुसी बहुत मेहनत की है तो बहुत अच्छा तुसी कीता है तो CLB 10 भी पिक कर सकते हो। ऐसे करके मैं गोल्डन येलो दे विच पिछली स्लाइड से शेड किया गोल्डन येलो दे विच, जे CLB 10 लेंदे हो तो 32 पॉइंट्स तुहानू हर कैटेगरी च मिलते हैं, 32 टाइम्स 4 इज 128, जो कि CLB 7 का पूरा दुगना हो गया। CLB 7 लैण नाल तुहानू 64 पॉइंट मिले सी, CLB 10 लैण नाल 128 पॉइंट मिले ने, पूरे दुगने। सो इन्ना डिफरेंस हैगा जी, इन्ना ज़्यादा डिफरेंस है। चलो CLB 10 नहीं खिंच सकते, जे तुसी CLB 9 ले लैंदे हो तां वी तुसी बहुत ज़्यादा पॉइंट स्कोर कर पाते हो। सो इसे करके मैजिक ऑफ 8999 हैगा। सो 32 टाइम्स 4 128 मैं तुहानू गल कर चुका वा। इसे तरह ही ईवन ये तो वह केस जिद मैरिड नहीं हो, अगर तुम मैरिड हो तो स्पाउस के नाल हो तो होर सिचुएशन हैगी है, विदाउट स्पाउस हो तो थोड़े पॉइंट्स जड़े ने 31 टाइम्स 4 हो जाएंगे, 34 टाइम्स 4 हो जाएंगे। सो मैं इस केस मैरिड केस लिता है विद स्पाउस लिता है, और अगर विदाउट स्पाउस है तो भी तुम बहुत मेजर डिफरेंस आता है पॉइंट्स के CRS। सो ये लैंग्वेज की कैटेगरी, सेम लैंग्वेज पॉइंट्स जोड़े ने तुम एक होर जगह पर भी फायदा देंगे, वो कि जगह वो देखने। सो अगे तुम कि जगह पर फायदा देंगे ने,
सो वो स्किल ट्रांसफरेबिलिटी का सैक्शन है एजुकेशन का। एजुकेशन के सैक्शन के भी तुहानू ये 25 पॉइंट्स एक्सट्रा दे देंगे ने। किस तरह 25 पॉइंट्स एक्सट्रा दे देंगे ने वो देखिए। सो जे मान लो तुसी बैचलर्स की है, मास्टर्स की है या फिर डॉक्टरेट लैवल की है तो तुहानू 25 पॉइंट्स मिलते हैं CLB 7 के नाल। बैचलर्स मास्टर्स या फिर तुसी डॉक्टरेट की है तो 25 पॉइंट्स मिलते हैं CLB 7 के नाल। वेयर एज जे तुसी CLB 9 लिता हुआ है और सेम क्वालिफिकेशन नहीं बदली है, क्वालिफिकेशन सेम है, तो तुहानू पॉइंट किन्ने मिलते हैं 50 फिर दोबारा 50 जे मास्टर्स से तो भी 50 जे डॉक्टरेट है तो भी 50। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो CLB 9 तुहानू 25 पॉइंट एक्सट्रा देता है। थोड़ी क्वालिफिकेशन च कोई फर्क नहीं होया लेकिन 25 पॉइंट एक्सट्रा मिल गया इतने, राइट। सो ये होया जी एजुकेशन दे विच CRS का फर्क। अगे गल करने हैं सो CRS का फर्क जिहड़ा है फॉरन वर्क एक्सपीरियंस के विच भी आएगा। सेम इत्थे भी जे तुसी वर्क एक्सपीरियंस तुहाडा 3 साल का है तो तुहानू 25 पॉइंट मैक्स मिलते हैं। और ए कंपेरिजन च अगर CLB 9 हैगा तुहाडे कोल उन्ना ही वर्क एक्सपीरियंस है तो तुहानू 50 पॉइंट मिल जाते हैं, यह डिफरेंस है। सो इत्थे भी तुहानू 25 पॉइंट्स का गेन इत्थे भी हो जाता है, 25 एक्सट्रा CRS पॉइंट्स तुहानू मिल जाते हैं। हुण अगली गल करने हैं। एक क्वेश्चन जो मैं तुम्हें शुरू शुरू से ही पूछा से तुहाडे कोलों तुम्हें दिखाया सी क्वेश्चन IELTS रिक्वायर्ड है एक्सप्रेस एंट्री वास्ते। सो कई जगह पे इहदा आंसर देखोगे यस, लेकिन मेरे हिसाब नाल इहदा आंसर यस नहीं है, इहदा आंसर नो है। IELTS रिक्वायर्ड नहीं है एक्सप्रेस एंट्री वास्ते। बड़ा खुश, सारे खुश है ना? नहीं, IELTS रिक्वायर्ड नहीं है एक्सप्रेस एंट्री वास्ते। की रिक्वायर्ड है वो देखने हैं। लैंग्वेज टेस्ट रिक्वायर्ड है, कोई गल नहीं, IELTS नहीं देना ना दे, सेल्फ हेल्प दे दियो, फ्रेंच का टेस्ट दे दियो। लैंग्वेज टेस्ट चाहिए, चाहे तुसी सेल्फ हेल्प दे हो, चाहे तुसी IELTS दे हो, या फिर फ्रेंच का टेस्ट दे हो, लैंग्वेज टेस्ट चाहिए। ओके, IELTS उन्होंने किधरे नहीं लिखा कि IELTS ही चाहिए, राइट। सो एज पर लॉ दिस इज द थिंग। सो अगर तुसी इंग्लिश सिलेक्ट कर दियो तुहाडे कोल IELTS और सेल्फ हेल्प की चॉइस है, फ्रेंच सिलेक्ट कर दियो तो TCF और TEF की चॉइस हैगी है, CLB 7 चाहिए है, और मैं ऑलरेडी तुम्हें दसता है एक्सप्रेस एंट्री के विच तुम्हें वो चाहिए है, राइट। दूजा क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन, कैन आई इमीग्रेट टू कैनेडा विदाउट IELTS। मेरे को पता नहीं किन्ने लोग डेली एक क्वेश्चन वो है जो डेली आता है, मेरा कई बार दिल करता मैं ऑफिस के क्वेश्चन लिख के ला दिया। सो कैन आई इमीग्रेट टू कैनेडा विदाउट IELTS बहुत बारी पूछा जाता है, तो यदा आंसर यस है जी। हाँ जी, ये भी तुम्हें शौक लगे होएगा, हाँ जी, यदा आंसर यस है। सो विदाउट IELTS थोड़े को कुछ रस्ते ने तुसी इमीग्रेट कर सकते हो, वो किहड़े रस्ते ने वो देखने हैं। और प्लीज़ इत्थे बहुत ध्यान ना सुनना क्योंकि इत्थे ही बहुत सारी गड़बड़ हो रही है। ओके, सो पहला रस्ता है जी फैमिली क्लास। अगर तुसी अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर दे हो, पेरेंट्स की स्पॉन्सरशिप कर दे हो, पेरेंट्स इत्थे आते हैं, उन्होंने कोई IELTS देने की लोड़ नहीं, दैट्स इट, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक होर कैटेगरी है और यदा बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है, सो जिन्हों असी कहने शैम मैरिजेस, फेक मैरिजेस, वो भी इसे कैटेगरी आती है। ब्याह करा के आ जाओ, राइट, सो स्पाउस नू कोई IELTS देने की लोड़ नहीं। सो वो ब्याह सच्चा है कि झूठा है वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। सो ये बहुत ही खतरनाक है। सो प्लीज़ अगर तुसी गलत रस्ते टुरना चाहते हो तो प्लीज़ अवॉयड करो। दूजा रस्ता रिफ्यूजी का, इतने भी मैं एक गल तुम दसना चाहना कि जे जैनुअन रिफ्यूजी की केस हैगा जरूर लगाओ, लेकिन प्लीज़ फॉर गॉड सेक डू नॉट डू, किसी तरीके नाल भी यह गलती ना करो। अगर जैनुअन केस नहीं है, किसी की गल्लां च आके मॉन्ट्रियल जाके उत्थों रिफ्यूजी केस नहीं फाइल करो, होर बहुत सारे तरीके ने, गलत रस्ते ना टुरो, बाद च तुसी पछताओगे। क्योंकि मेरे को रोज़ इस तरीके के केस आते हैं जी साडा रिफ्यूजी रिजेक्ट हो गया, मैं कहता वो तो होना ही सी क्योंकि तुसी गलत फाइल किया, ओथेंटिसिटी सी नहीं, तुहाडा रिफ्यूजी रिजेक्ट हो गया, हुण की करिए। मैं कहा हुण बैकपैक करो तो घर जाओ, हुण कुछ नहीं हो सकता, राइट। सो ये तुसी पहला सोचना है, लालच नहीं लो, गलत रस्ते नहीं टुरो, पहले ही सही रस्ता फड़ो, थोड़े और थोड़ी आने वाली नस्लों पर सब ते इफेक्ट पेगा। सो अगर जेन्युइन रिफ्यूजी केस है गो हैड लगाओ, नहीं हैगा तो गलत रिफ्यूजी केस नहीं लगाओ। सो ए इंपॉर्टेंट चीज़ सी, यस यू कैन
इमीग्रेट विदाउट आइल्स। बट ये मैं अगे गल कहूँगा कि जो तुम पी आर तो कैनेडियन सिटीजनशिप लैनी है उस वक्त फिर दोबारा तो तुम अपनी इंग्लिश की प्रोफिशंसी दिखानी पैंती है, नहीं तो फिर तुम पी आर दे बैठे हो, राइट। सो पेरेंट्स वास्ते एक्सैप्शन होंगे क्योंकि वो एज होंगी हैगी है, एज करके उन्होंने अबव एज अलाउड है, छोटे बच्चों वास्ते भी बिलो एज अलाउड है, लेकिन बाकी नॉर्मल केसिस के अलाउड नहीं है, उन्होंने प्रोफिशंसी इंग्लिश की दिखानी पैंती हैगी है, टैसट देने पैदा। वो एक वक्री गल है, मैं अलग तरीके गल करा। एक होर सवाल है जी मेरे को, आता है जी आइल्स चाहिए वर्क परमिट वास्ते, बड़ा कॉमन सवाल है, आंसर हैगा जी यदा नो। फिर तुम थोड़ा जहा शॉक लगे होगा, राइट। एक्चुअली एज पर लॉ तो नहीं चाहिए, लेकिन इंपलॉयर कहते हैं भाई तू इत आ रहा है, इतने आके काम करेगा, या तेन इंग्लिश आती हो, तेन इंग्लिश आती हो, तेन फ्रेंच आती हो, पंजाबी आती है, वेरी गुड, लेकिन पंजाबी ना सारा काम नहीं चलना, किधर ना किधर तुम इंग्लिश भी बोलनी पैनी है, फ्रेंच बोलनी पैनी है। सो इंपलॉयर की रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन मैं इतने एक गल तुम कहना चाहना, ऑफिसर देखता है कि तुम एल एम आई ए लैके आए हो, एल एम आई ए तो लिखे जी रिटेल सुपरवाइजर, सुपरवाइजर हो तुम, चार लोगों को सुपरवाइज करना, तो इंग्लिश जरा भी नहीं बोल सकते, तो ऑफिसर ऑब्वियसली शक होएगा ना कि भाई तेरा नॉक कोड तो कहता तू रिटेल सुपरवाइजर है, राइट, प्रोफाइल तेरी कहती है तू सुपरवाइजर है, तो लफज तेरे को एक नहीं इंग्लिश का बोलिया जा रहा, तो ऑफिसर को पावर है तुम ऑफिस भेजन की। ओके, सो अगेन थोड़ा इतने आना वर्क परमिट, तो वर्क परमिट कोई डेस्टिनेशन थोड़ी मंजिल नहीं है, मंजिल होनी चाहिए पी आर। सो जो पी आर थोड़ी मंजिल हैगी है तो फिर तुम फिर उ करना पेगा, आइल्स फिर देना पेगा। सो आइल्स तो बचन की कोशिश ना करो, लैंग्वेज टेस्ट तो बचन की कोशिश ना करो। कई बार लोग कहते हैं काश असी भी कैनेडा बॉर्न होंगे, सानू आइल्स का चक्कर ना करना पैंता। मैं तुम्हें एक गल दसा, जो कैनेडा के बच्चे ने ना उन्होंने भी ओ एस एस एल टी देना पैंता, ओंटेरियो का मैं एक एग्जाम्पल दे रहा। सो ओंटेरियो के ओ एस एस एल टी का टैसट होंगे, अगर उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के जाना है, कैनेडियन बॉर्न बच्चे उन्होंने भी जो इंग्लिश का टैसट देना पैंता है, इररिस्पैक्टिव वो गोरे के घर बॉर्न हुए हैं, काले के घर बॉर्न हुए हैं, यूनो ब्राउन स्किन के घर बॉर्न हुए हैं, लेकिन उन्होंने भी यूनिवर्सिटीज़ वास्ते ओ एस एस एल टी देना पैंता है। सो प्लीज़ बचन की कोशिश ना करो, खब्बे सज्जे गलत रस्ता ना लभो, सही रस्ते टुरो, बिना डरे सही रस्ता फड़ोगे तो तुसी जल्दी उसते टुर पाओगे। सो स्टडी वीज़ा पॉसीबल है विदाउट आइल्स? यस इट इज़ वेरी मच पॉसीबल, तुसी पॉसिबल हैगा। कई सारिया यूनिवर्सिटियां दूजे टेस्ट भी एक्सैप्ट करदिया ने, जिस तरह की टॉफिल, जिस तरह की कैल, जिस तरह की ड्यूलिंगो, जिस तरह की पीटीई, और आइल्स का कई यूनिवर्सिटियां अकेडमिक और जनरल दोनों एक्सैप्ट करदिया ने। सो सम यूनिवर्सिटीज डू नॉट ईवन रिक्वायर, थोड़े कोई कोर्सेज ऐसे जिद लोड ही नहीं है इंग्लिश के टैस की, डिपेंड करता थोड़ा कोर्स कहड़ा है, किस तरह की सिलेक्शन। सो मैं कोशिश की है कि आइल्स के भूत तो थोड़ा छुटकारा करा सकता। सो अगर तुम्हें फिर भी किधर या पूर्त चमड़िया होया तो यू कैन कॉन्टैक्ट अवर ऑफिस, अवर ऑफिस इज इन ब्रैम्पटन। ये नंबर और ईमेल आई डीज थोड़े शेयर ने, तो जो तुम चैनल हूँ तक सबसक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल जरूर सबसक्राइब करो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।